मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप, फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारा पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था पाठ्यसहगामी क्रिया का प्रबंधन। इसके अंतर्गत भी हमारा एक टॉपिक है सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम्स। इसको पहले समझ लेते हैं वो है क्या, इसको रखने के पीछे हमारे सिलेबस में रखने के पीछे क्या कारण है, क्या पृष्ठभूमि है, उसको देख लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के अंदर या छात्रों के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना होता है, क्योंकि शिक्षा के तमाम उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को या बच्चों का सांस्कृतिक उद्देश्य है वो भी होता है, जिससे छात्र अपनी कल्चर को जिस देश में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, जिस जिले में रह रहे हैं, जिस प्रखंड में रह रहे हैं, उसकी संस्कृति को वो संस्कृति को धारण करें, संस्कृति को समृद्ध बनाएं और संस्कृति को आगे पीढ़ी को हस्तांतरित करें। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय में जो भी विद्यालय है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, वो शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिनके माध्यम से छात्र जो संस्कृतियाँ हैं या जिन क्षेत्रों में जो संस्कृतियाँ हैं, जिन क्षेत्रों में छात्र रह रहे हैं, जिन क्षेत्रों में विद्यालय हैं, उन स्थानों की संस्कृतियों को अपने अंदर आत्मसात करें, उसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करें और अपनी संस्कृति को समृद्धशाली बनाएं और अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करें। ये शिक्षा का उद्देश्य होता है, इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाता है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, इसके अंतर्गत कई तरीके के कार्यक्रम होते हैं, वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, अर्धवार्षिक कार्यक्रम होते हैं, या विशेष रूप से कुछ और भी कार्यक्रम रख लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यसहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनका हमें वैल्यू जानी कि क्या वजह है जिसकी वजह से विद्यालय में उनका आयोजन किया जाता है। उनके मूल्य की बात हमने की, उनका महत्व क्या है, तो महत्व भी इनका वही है जो अभी मैंने बताया कि किसी भी देश के जो बच्चे होते हैं, उस देश के बच्चों के जब व्यक्तित्व का विकास किया जाता है तो उन्हें अपनी संस्कृति में परिचित कराने के लिए, उसको समृद्धशाली बनाने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसके द्वारा छात्र विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों को से परिचित होते हैं और उन संस्कृति को आदर करना सीखते हैं। आदर करने के साथ साथ उस संस्कृति में परिमार्जन करते हैं, उसको समृद्धशाली बनाते हैं और नेक्स्ट पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं। इस प्रकार से इनका हमें महत्व समझा। अब देखते हैं राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय पर्व तीन मनाए जाते हैं, पहला 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी, तीसरा 2 अक्टूबर। अब पहला देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इन राष्ट्रीय पर्वों को बहुत लंबे समय से मनाते चले आ रहे हैं। हम लोगों ने प्राथमिक स्तर से प्राथमिक शिक्षा से लेकर अब तक की शिक्षा में हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है, विद्यालयी व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, जिससे हम लोग परिचित हैं। इनको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हम थोड़ा सा हल्के से इनको हाईलाइट करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो पहला है 15 अगस्त। 15 अगस्त भारत में राष्ट्रीय पर्व इसलिए मनाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में भारत को स्वतंत्रता मिली, अर्थात अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिशर्स थे या जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत को स्वतंत्र दिया, भारत को कह दिया कि आप अपना संविधान बनाइए और अपने देश आप अपनी जो सत्ता की बागडोर है अपने हाथों में ले लीजिए। इस प्रकार से 15 अगस्त को हमारा देश क्या हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और ये 15 से 14 अगस्त की रात थी जिसमें क्या देखते हैं, 1947 को आज़ाद हुआ भारत की भारत स्वतंत्र हुआ, जिसमें अनेकों राष्ट्रभक्तों को ये गति प्राप्त हुई। 14 से 15 अगस्त की मुद्रा थी को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, ठीक है। और इस प्रकार से हम भारत की एकता, अखंडता, उसकी सम्मान, उसकी समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रदेश की प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम उन वीर सैनिकों को, उन वीर वीरंगनाओं को याद करें जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपनी प्राणों की आहुतियाँ दी, अपना सर्वोच्च निशावर किया और आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित किया। इस प्रकार से हम 15 अगस्त को मनाते हैं। इसको ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत पहले से बहुत डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 26 जनवरी दूसरा है, ये था पहला, और दूसरा है 26 जनवरी
26 जनवरी को भारत का दूसरा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली, पूर्ण रूप से देश आजाद हुआ, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। हालांकि 26 नवंबर 1949 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बना और अंगीकृत हो गया। उसी दिन भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे, उनको लागू कर दिया गया, लेकिन संपूर्ण रूप से पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। इसके पीछे भी मैं एक कारण बता देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को ही ये दिन क्यों तय किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान इसलिए तैयार किया गया कि 26 सर्वप्रथम जब देश गुलाम था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ उसको 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। भारत में पूर्ण स्वाधीनता लिखेंगे नहीं आप लोग, ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ, स्वाधीनता की मांग की गई। और उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया, सॉरी उसी दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने क्या किया, भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया, इस देश को तय किया कि इसी दिन गणतंत्र मनाया जाएगा या गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, कि इसी दिन भारत का पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, भारत गणतंत्र घोषित हो गया। भाई जो भी बाहरी शक्तियाँ थी, जो भी बाहरी देश थे, उनकी शक्तियों से उनके जो अंडर प्रेशर थे उससे देश मुक्त हो गया। इस प्रकार से भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, भारत को इसी दिन गणतंत्र रूप में मनाने लगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर हमारा तीसरा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है भारत में, तो इसको इसलिए मनाया जाता है इसी दिन 2 अक्टूबर 1875 को हमारे राष्ट्रपिता या भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और महात्मा गांधी का देश की स्वतंत्रता में, देश के विकास में, देश की संपूर्ण व्यवस्था है में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसी 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस लेते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि महात्मा गांधी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा के प्रतीक हैं, और उनकी महत्ता इसी से प्रदर्शित होती है कि 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी उनका जो जीवन संघर्ष था देश की आज़ादी में, उसका बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी ने सक्रिय रूप से पहला आंदोलन किया था वो चंपारण किया था, चंपारण से भारत में गांधी जी का संघर्ष प्रारंभ होता है इसकी आज़ादी के लिए। इसमें कुछ आंदोलन महत्वपूर्ण थे वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। उनका पहला जो आंदोलन था व्यापक स्तर पर वो था असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। ठीक है, दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया, ब्रिटिश सरकार का जो आत्मविश्वास था उसको झकझोर दिया। अंततः अंग्रेजों को महसूस होने लगा कि अब भारत में रहना बहुत मुश्किल है, भारत को हमें भारतीयों को देना ही होगा। इस प्रकार से गांधी जी का जो जीवन परिचय है वो हमने आपको दिया। 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है वो हमने बताया। इस प्रकार से हमने 3 राष्ट्रीय पर्व पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको जानेंगे, इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपने मिटा इसको लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें पहला है कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक का महत्व क्या है इसको कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का न सिर्फ कर्तव्य है बस बल्कि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इन प्रतीकों को न सिर्फ वह सम्मान करें बल्कि जो भी देश के नागरिक हैं उनको भी सम्मान करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए भारतीयों के लिए राष्ट्रीय प्रतीक एक धरोहर की तरह है, एक मूल्यवान वस्तु की तरह है जिनका आदर करना सम्मान करना हमारा परम दायित्व एवं उत्तरदायित्व है। तो पहला हम देखते हैं, पहला है वंदे मातरम। वंदे मातरम परी वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा गया है वो बंकिम चंद चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद चटर्जी, बंकिम चंद चटर्जी और ये आनंद मठ की कृति है उसे दिया गया है। उसमें आनंद मठ इसका प्रथम इसको सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में सन 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया ठीक है गाया गया। और ये जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जहां से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वंदे मातरम जो गीत है वो कब गाया गया और किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। तो इस तरीके से हमारा कौन सा अधिवेशन था वो था कोलकाता अधिवेशन ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग ध्यान रखेंगे ये यहाँ से जीएस का क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो ये 1896 का कोलकाता अधिवेशन था उसमें वंदे मातरम गीत को गाया गया। अब दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रीय गान। ये राष्ट्रीय गान को डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्र नाथ टैगोर द्वारा रचित है ये ठीक है स्टूडेंट। ये राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है और ये भी कुछ बार बार जीएस का क्वेश्चन बनता है कि ये किस अधिवेशन में गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया। तो ये भी 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया।
ठीक है, दोनों ही कोलकाता दिवस निकाले गए, लेकिन हमें विशेष रूप से सन याद रखनी है कि कौन सी सन में गाया गया, तो ये कोलकाता दिवस में गाया गया। इसको गाने में, इसको प्रथम चार पंक्ति है पद है, उनको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, ध्यान रखना है 52 सेकंड का समय लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, हालांकि हम रविन्द्रनाथ टैगोर को भारतीय शिक्षा विचार में पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़े हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। तो हम लोगों ने पहला जीएस का क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। दूसरा एक और उनकी रचना थी, वो थी अमर सुनार बांग्ला, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, दोनों ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए, दोनों ही जीएस के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, किस सन में गाया जाता है, किस राष्ट्र का कोई अधिवेशन में गाया गया, वो मैंने बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जो है वो उनकी रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ये दोनों चीजें कवर होती हैं। आगे देखते हैं, अब राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्हों की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय पशु पहला है राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु हमारा पैंथर टाइगर, टाइगर्स या उसको बाघ कहते हैं, बाघ है राष्ट्रीय पशु। दूसरा भारत का, दूसरा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो हम आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। और तीसरा है राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प या भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल। इस प्रकार से इस स्टेगमेंट में बस इतना ही। यदि इससे संबंधित कोई क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, मैं वहाँ आपका सोल्यूशन दूंगा। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।